मुंब्रा में कोरोना का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। आज यानी 8 जून को मुंब्रा में 23 नए मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, मुंबई में स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी एक समय कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बनी थी, लेकिन अब यहां पर पिछले 7 दिनों से संक्रमण के कारण एक भी मरीज की जान नहीं गई है। इसके अलावा यहाँ COVID-19 के मामलों में भी कमी देखने को मिल रही है। BMC के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1 जून को धारावी में कोरोना वायरस के 34 मामले सामने आए थे, जबकि 7 जून को कुल 13 मामले सामने आ चुके थे। इससे पहले 6 जून को 10, 5 जून को 17 और 4 जून को 23 मामले दर्ज किए गए थे। आधिकारिक डेटा के अनुसार धारावी में COVID-19 के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। धारावी में 7 जून तक कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1912 थी। आपको बता दें, 30 मई से पिछले 7 दिनों में धारावी में कोरोना के वजह से कोई मौत नहीं हुई है, जो कि एक बड़ी राहत का संकेत है। पिछले दिनों धारावी कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ था, लेकिन अब कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। BMC के सहायक नगर आयुक्त किरण दिघावकर, जो धारावी की कोरोना मिशन प्रभारी है, उन्होंने कहा, धारावी में आक्रामक स्क्रीनिंग ने पॉजिटिव मामलों को कम करने में मदद की है। BMC के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने, निजी क्लिनिक डॉक्टरों ने, मोबाइल वैन, नगर निगम की डिस्पेंसरी आदि ने लगभग 6 से 7 लाख लोगों के घर घर जाकर जाँच की है। क्षेत्र के कुल 8,500 लोगों को विभिन्न स्थानों पर सरकारी क्वारंटाइन सुविधाओं में रखा गया है। BMC ने 4,000 लोगों का परीक्षण किया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।